बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ मिल्की ब्रेड। बहुत ही सादा और आसान सी तरकीब है और मैंने सोचा कि मैं आपको ये आज एक अच्छी चीज़ बताती हूँ ताकि हम घर में ही, मैं तो ब्रेड बनाती हूँ तो आप ही बना लिए करें। इस तरह ये है कि रोज़ाना बेकरी पे कभी ताज़ा मिलती है, कभी नहीं मिलती, तो हम ये काम खुद कर सकते हैं और बहुत ईजी है और बहुत ही मज़े की बनेगी। जो चाय वाले चम्मच होते हैं वो 5 चम्मच मिल्क पाउडर है, ये 4 चम्मच चीनी है, पिसी हुई चीनी मैंने इसमें इस्तेमाल की है, और इसमें 1 अंडा है। इस तरह अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। पहले अब इसकी ज़रूरत के मुताबिक मैं इसमें पानी डालूंगी और अगर काम ये लगा तो फिर और डाल लेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके मैं डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो फिर ये अच्छा नहीं बनता। अब मैं इसमें घी शामिल करूंगी, ये भी 50 ग्राम है, या ऐसे चम्मच के हिसाब से करना है तो 4 चम्मच डालें। अब इसको मैं मिक्स कर लूंगी सारा। आटा मैंने थोड़ा सा इसमें और डाला था क्योंकि मैंने पानी थोड़ा सा ज्यादा कर लिया था। बस इसको हमने कर लेंगे मिक्स हो जाए अच्छी तरह से, इसे मिक्स करना है। उस पैचों से मसला हो रहा था तो मैंने इसको हाथ से गूंदने का फैसला किया कि मैंने कहा हाथ से मिक्स किया जाए इसको, अच्छी तरह से मिक्स करना है। सारी चीजें बिल्कुल मिक्स हो जाएं और अब आप देख लें
ये कैसे एक जैसी बिल्कुल इसकी शक्ल बन गई है कि वगैरह सारा कुछ मिक्स हो जाना चाहिए इसमें, क्योंकि घी बाद में डालते होते हैं तो फिर वो जरा इसके अंदर सही मिक्सअप नहीं होता, उसे करना पड़ता है हाथ से। ये हो गया, अब इसको मैं रख देती हूँ तकरीबन 35-40 मिनट के लिए। इसको फाइल कवर लगा देते हैं, इसकी हवा बंद हो जानी चाहिए। घर में ये नहीं है तो आप प्लेट या इस तरह का कुबान ढक्कन भी डाल सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं ताकि ये बिल्कुल जो एयर टाइट हो जाए। हमें मकसद इसका एयर टाइट कर। इसके नीचे मैंने नमक डाल दिया और ऊपर प्लेट एक उल्टी करके रख दी है। अब मैं इसके अंदर ये रख रही हूँ और ये मैंने इसको ढक दिया। अब इसे मैं 30 से 35 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी, उसके बाद फिर देखते हैं कि क्या लुक आती है इसकी।